हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम एजुकेशन। किसी पिला कमेंट आसाला सर पुलिस एसआई रो किसी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ। देखो किसी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आगे मुझे तो जानी के ओडिशार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर दिए थे ओडिशार जहाँ एग्जाम होता। बट एवं जब अलग एग्जाम जमी आप आज मुझे आपको सॉल्व करी वेस्ट बेंगल जो आप पुलिस एसआई आसाला क्वेश्चन भी आप देखते दुटा पार्ट सल्व करेंगे आज आरिथमेटिक रिजनिंग अन्य पार्ट भी मुझे आपको शिखे देवी कमी क्वेश्चन आसाला जब इंटरेस्टेड देवे आप करदेवि कारण अन्य एग्जाम भी आप फॉलो करी हाब कारण सफलिंग हुए बुझिपाले पाखापाखि स्टेट्र एग्जाम जितक आप से टाइप क्वेश्चन भी एसआई आनी क्वेश्चन सल्व कर तो मत लगे ये भल क्वेश्चन एंड ये खाली कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम नुहे मैथ समस्त सामान रिजनिंग समस्त सामान किसी एपट सपट होपे बट मोस्ट अफ द सेम थाए आप तो ये समस्ते देखिपारे तो चलते आज सल्व करेंगे आप क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन आप सल्व करूँ ये आक्चुआल क्वेश्चन वेस्ट बेंगल एसआई बुझिपारे। नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट आपड़ जब इंटरेस्ट देते तो अलग क्वेश्चन सल्व करेंगे जेपर्यंत गोटे लेवल बस तो ठीक अच्छे बट सब क्वेश्चन एग्जाम भी सल्व करूँ। प्रथम क्वेश्चन अच्छी ए मंकी कुड क्लाइम 6 meters ऑफ ए राउंड पोल इन 1 minute बट स्लिप्ड 3 meters इन द नेक्स्ट मिनिट पार्ट टाइम विल इट टेक टू रीच द टॉप्स ऑफ द पोल व्हिच इज 21 meters लॉन्ग। चलते सब क्वेश्चन समस्ते सॉल्व करो तो आंसर कितना ला आपण फास्ट आपण आंसर निजे बाहर करिवे। क्वेश्चन देछि गोटे टॉप ऑफ द पोल अछि गोटे पोल अछि ओके ए राउंड पोल मीटर्स ए राउंड पोल गोटे राउंड पोल सपोज ये होछि आपण को गोटे पोल अछि राउंड पोल ओके राउंड पोल आपण अजिम कर क्वेश्चन देखिए गोटे मंकी आपर कौन फास्ट मिनिट्रे आप 6 meters चढ़ूँ एंड सेकेंड मिनिट्रे 3 meters आप खसिक आस जाऊँ आ मानी सिंपल कथा कि 2 minutes सी आपत मिनिट चढ़ुव 3 meters चढ़ुव प्रथम मिनिट्रे ऊपर चढ़ुच 6 meters सेकेंड मिनिट्रे खसुच 3 meters आ मानी 2 minutes सी 3 meters आप चढ़ुव से पोल को एंड आमको केतर चढ़ अच्छे 21 meters चढ़ तो 21 meters कह गए इंटू 7 multiply कर पड़ो साथ 21 meters एपट 7 multiply कल एपट भी 7 multiply कर मैंने 14 minutes तो आंसर है कैसे 14 minutes ये एकदम भूल बुझेगा जो मैंने 14 minutes करेंगे एकदम भूल। देखो टू जिते बेले मकी आपर पोल ओके चढ़ुच्चे चढ़ुच्च लास्ट मिनिट जिते सी चढ़ सी कम्प्लीटली ऊपर को चढ़ जा ना आ तलू खस कि तलू खस ना जब आप सेमती मल्टीप्लाय करते कम्प्लीटली आप पुणी आपको खसई दौरान तेणु कौन करेंगे ये क्वेश्चन से आप टाइम एंड वर्क भी सरती जो अल्टरनेटिव वर्क से भाया ओके 2 minutes से 3 meters चढ़ुच्च पाखापाखि मल्टीप्लाय करूँ एंड लास्ट को आमको कौन करा पड़ो लास्ट मिनिट को आमको 6 meters चढ़ाया पड़ो से अनुसार मल्टीप्लाय करेंगे तो ये कैसे जदि मुझे 5 multiply करे के 5 आ मानने 10 minutes सी 15 meters आप चढ़ुच्च एंड आउ जो 1 minute सी 6 meters चढ़ी चढ़ीगला आउ कस दरकार नहीं ऊपर को पलब मीन सी होगा 21 meters हाँ ना ना तो 21 meters ये आउ गोटे मिनिट लगे तो 11 minutes होगी ये करेक्ट आंसर आंसर के 11 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए सर्टन प्रडक्ट द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। सपोज मुझे कहली मोर कॉस्ट प्राइस हो 100 तो प्रॉफिट मत के मिल प्रॉफिट हूँ मत के 320 तो जदि प्रॉफिट 320 तो सेलिंग प्राइस के 420 हाँ ना नहीं सेलिंग प्राइस 420 तापर सी कहे इफ द कॉस्ट इनक्रीजेस बाय 25% तो कॉस्ट प्राइस इनिशियल 100 था एवं कॉस्ट प्राइस आप 125 होगा एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट आ मानी सेलिंग प्राइस आप 420 थी थी सी कहे एवं प्रॉफिट के तो प्रॉफिट हूँ कौन प्रॉफिट परसेंटेज पचार मन रखा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के 420 रु 125 गले के 10 रु 5 गले 5 11 2 गले 9 3 1 गले 2 295 तो 295 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एवं कौन ए कॉस्ट प्राइस 125 इंटू 100 बुझे 25 5 25 4 5 रे कटिले 5 5 25 5 9 45 तो आंसर के 59 × 4 9 4 36 6 3 5 20 3 23 तो 236% होती यार प्रॉफिट बुझेगा। नेक्स्ट ऑफ द 3 numbers द सेकेंड इज ट्वाइस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द 3 numbers द सेकेंड इज ट्वाइस द फास्ट एंड ऑल्सो 3 times द थर्ड नंबर द एवरेज ऑफ द 3 numbers इज 54
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बुझेगा क्वेश्चन कौन देखिए अफ द थ्री नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस द फास्ट अच्छा सपोज कहली मोर थर्ड नंबर होची वन तो सेकेंड नंबर के सेकेंड नंबर होची केते ना थ्री टाइम्स द थर्ड नंबर सेकेंड नंबर हम तीन जदि प्रथम नंबर एक हम सेकेंड नंबर तीन तो फास्ट नंबर के फास्ट नंबर हम के ना सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फास्ट नंबर आ मैंने तीन थ्री इक्वाल टू ट्वाइस द आपंकर फास्ट नंबर तो फास्ट नंबर के ना ये जो आप टू बै थ्री सरी थ्री बै टू ट्वाइस थ्री बै टू होते थ्री बै टू फास्ट नंबर तो सी एवं कही आभरेज केभरेज देती 44 तो इनका आभरेज के फोर प्लस थ्री बै टू चार दिन मीनस इलेवेन बै टू एंड कतोटा नंबर अच्छी समुदाय आभरेज को तीन कर जाए ये कैसे इलेवेन बै सिक्स इलेवेन सिक्स रैल्यू देती 44 आ मैंने वन रैल्यू के 24 जो वन रैल्यू 24 आमको पचार हाइस्ट नंबर के लार्जेस्ट नंबर तो लार्जेस्ट नंबर केन तो चबीस रैल्यू के हम चबीस तीन के बास्तव बुझेगा ना ना नेक्स्ट ए 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 ठीक अच्छे 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क एंड ऑपरेशन इज रिप्लेस्ड वन्स मोर एट द एंड ऑफ द टू रिमूवल्स एंड रिप्लेसमेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर सी कौन कही आपंकर 10 लीटर को काढ़ू अच्छा गोटे रेशियो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन ना फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन वन माइनस एक्स एन बाय कैपिटल एन बाय एक्स में लेके होल्ड टू द पार के नंबर ऑफ टर्म्स रिपीटेड ओके नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड टर्म्स नु नंबर ऑफ टाइम्स तो ये फाइनाल कनसेंट्रेसन के पचार मिल्क एंड व्वाटर रेसीो एंड ये आप कौन बाहर फाइनाल कनसेंट्रेसन अफ व्वाटर बाहर करेंगे ना फाइनाल कनसेंट्रेसन मिल्क बाहर करेंगे गोटे सेकेंड ये कौन कौन कि 10 लिटर्स अफ द मिक्सचर इज रिमूव 10 लिटर मिक्सचर रिमूव हो गला एंड रिप्लेस विथ प्योर मिल्क मिल्क आप रिप्लेस कराऊँ मिल्क रिप्लेस फाइनाल कनसेंट्रेसन अफ व्वाटर बाहर करते व्वाटर के व्वाटर हम फाइनाल कनसेंट्रेसन व्वाटर ये के इनिशियल के व्वाटर ना पाँच रैल्यू आपर कोड़े थ्री टू पाँच रैल्यू कोड़े तो इनिशियल हूँ आठ अच्छी ये जी वन माइनस एन केन आमको केत लिटर रिप्लेस हो दस डिवाइड बाई कतरु इनिशियल 20 लिटर थी केत टाइम्स रिपीट हो टू टाइम्स एवं जहाँ भी बाहर एट इंटु ये जी वन बै फोर हो तो आंसर हम टू बुझिपारे टू हूँ आपंकर व्वाटर टू जदि आप टू पार्ट हूँ व्वाटर इनिशियल जो टू पार्ट व्वाटर तो आपंकर 18 पार्ट कौन थी 18 पार्ट आपको मिल्क थी हाँ ना ना 18 पार्ट आपको मिल्क थी तो रेसीो के पचार 18:2 तो 9:1 ओके आंसर हूँ 9:1 आई थिंक ये क्वेश्चन सब जानते इन एन एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश 50% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इफ 150 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपनकर केते फास्ट हो इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश इंग्लिश रे आपनकर 60% पास होई छथि जदि 60% एटे रिपोर्ट करू छी इंग्लिश रे आपनकर 60% पास होई छथि ये इंग्लिश ये मैथमेटिक्स अच्छा इंग्लिश रे 60% पास होई छथि तो केते परसेंट फेल हेतिबे 40% तो इंग्लिश रे कंप्लीटली 40% फेल होई छथि एंड बोथ केते जन फेल होई छथि 20% मींस ये होची 20 पार्ट कंप्लीट 100% नै छी ओके ये हला 20% मींस 20 पार्ट आपन बोथ मजीटा बोथ एंड कंप्लीटली इंग्लिश रे फेल होती 40% ऑलरेडी ये 20% पलिचे आ रही के पाखे ये एतिक पार्ट हूँ ओनली इंग्लिश तो ओनली इंग्लिश बेसिकली सब जानते हैं ओनली इंग्लिश हूँ 20 सिमिलरली ओनली आपंकर मैथमेटिक्स के 50% मैथमेटिक्स पास होती आम 50% फेल होते हैं 20% बोथ रू पड़े तो ओनली हम 30% तो कैसे परसेंट आपंकर कंप्लीटली मत कहूँ फेल होती ना 70% पिला फेल होती जदि 17% पिला फेल होती तो 30% पिला पास होती 100% रू तो 30% वैल्यू आपंकर 150 तो 1% वैल्यू आपंकर 100% वैल्यू के 500 यही पचार टोटाल नंबर स्टूडेंट्स तो आंसर के 500 नेक्स्ट क्वेश्चन तो ए क्वेश्चन आप छाली समस्त ट्राए करेंगे ओके बेसिकली रेसीो दे दीजिए आपको 120 170 एंड 30 एमती नहीं जातु रेसीो तापर ये 20% इंक्रीज कर मीनस ये 144 20% ये 30% इंक्रीज कर मीनस 170 30% हूँ 51 तो ये जी एक सत पाँच बार दूर ये 221 ये आपंकर 50% इंक्रीज कर मीनस ये आपंकर 45 हाँ ना एवं से पचे मानकर इंक्रीज परसेंटेज के समस्त को आड करके टोटाल नंबर के देखीदेवे इनिशियाली टोटाल नंबर के इंटू 100 करदे बुझेगा इजी क्वेश्चन अच्छी परसेंटेज आपको करा पड़ोनी अच्छा रिजनिंग क्वेश्चन आपको एमती
मत कहु आपर ओबीसी एस रहा मेन्स एस आई रेन्स देखनी एमकर एस आई रेन्स देखते क्वेश्चन से पेपर अच्छे जी टाइप रिजनिंग आपंत तो मत कह कम्प्लीटली भल डिस्क्राइब करदेवी ये गोटे क्वेश्चन अच्छी यू आर ऑन फुड पेट्रोल इन ए बिजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड आर कॉल्ड टू ए डिस्टर्बेंस इन ए फार्मेसी आपको फुड पेट्रोल पेट्रोलिंग करते गोटे कॉम्प्लेक्स से ही टाइम गोटे फार्मेसी डिस्टर्बेंस है आपको कॉल आसला एंड आज यू आर आई एट द फ्रंट डोर जिते बेल आपन फ्रंट डोर में पहुंचती अफ द फार्मेसी ए मैन रशेस आउट द डोर गोटे मैन आपको धक्का दे पलैला धक्का दे पलैला क्या सहित ना आपको पार्टनर आप सहित आप जो पार्टनर थे धक्का दे पलैला तापर कौन ला ए फेलो पुलिस वोमेन नकिंग योर पार्टनर टू द फोर तापर सी कौन कला ना ए पुलिस वोमेन से जो कौन कर सी आप पार्टनर को कौन कर फ्लोर में आपको नक करता बुझिपारे द मैन देन कंटिन्यूस रनिंग आउ ए पास्ट अदर पार्टनर्स थ्रू द मड जिते सी नक करता जो आप धक्का देता सी आप खसिक पलैला तपर योर पार्टनर रोल्स ऑन टू द साइड्स गड़ूला रिविलिंग ए स्मॉल स्टैब वुंड अंडर हर रिब्स छुरी स्टाब होता हि स्टाब्ड मी सी क्रा चिलई कहला कि हि स्टाब्ड मी बट सी दौड़ी पड़ूला बट से टाइम से पुलिस मैन कौन करता पार्टनर को आप नक करूला बुझिपाले जो पुश करता ये करता से जगह यू सुड कौन करवा उचित कल एंड आंबुलांस एंड इमिडियेटली परस्यू द मैन हु स्टाब्ड योर पार्टनर्स कल एंड आंबुलांस एंड स्टे विथ योर पार्टनर्स टू प्रोवाइड इमिडियेट फास्ट एड यूज योर फायरमैन टू सुट द अफेंडर ए टाइप क्वेश्चन अलवेज पिलाकर कौन हुए ना 80% से कन्फ्यूजन में था 20% से गेस करते हाँ या ना आप निजे कहते बट ये टाइप क्वेश्चन केमी सल्व करेंगे जो टाइप पढ़ा मत कहते ये टाइप क्वेश्चन मुझे सल्व कर देवी ये बहुत इजी क्वेश्चन एंड या कौ माइंड में सल्व करेंगे जेहतु आप पुलिस एक्जाम दौरान आपको पुलिस माइंड रू पुलिस एथिक्स रू आप सल्व करा पड़ो एम ना कि आप कहे कि आपको मुझे खाली हस्पिटा नहीं जी सेमती ना पुलिस एथिक्स रू सल्व करा पड़ो जो कहे मुझे करदेवी ये टाइप क्वेश्चन अच्छी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये टाइप क्वेश्चन आती बहुत भल क्वेश्चन आती यू आर ऑन द स्ट्रीट व्हेयर ए मैन एंड वुमन आर बीन आर्ग्यूइंग लाउडली एंड पुशिंग ईच अदर अराउंड यू एंड योर पार्टनर आर ट्राइंग टू टॉक टू ईच पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड द बेस्ट पोजिशन अफ द डिस्कसन एम भर पोजिशन देती तो आप पोजिशन फाइंड आउट कर टाइप क्वेश्चन आस मत कहे तो मुझे आपको सल्व करदेवी एवं देखिए आम आउ कौन रिजनिंग देखते यूँ आम स्टार्ट है रिजनिंग जेनराल रिजनिंग जो अच्छी से क्वेश्चन सौ मतलब पचारे करदेवी फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज आर नेक्स्ट नंबर फाइंड कर देखते फास्ट जीरो अच्छी टाइप क्वेश्चन मुझे आपको कहते डबल डबल नंबर था जीरो तीन आसला छः आसला नौ आसला के बार आस ओके आगे कर दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ मिस्टर घोष सेड हर मदर्स मदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू मिस्टर घोष ये हम आपर कौन हम गर्ल्स मदर हम आपर सिस्टर हम ओके आई थिंक केमी हम ना देखते क्वेश्चन जल्दी केमती करेंगे सी कौन कही जिते बारे यही टाइप क्वेश्चन आसे फर्माट्रे आप कौन कहे आप जो ब्लड इरेक्शन क्वेश्चन आपंकर सेन्टेन्स आसे तो सेन्टेन्स को भांगती देखते हर मदर बदर हर मदर्स बदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर फास्ट माय मदर्स फादर किए मो आप कहतु माय मदर्स फादर मीन एटी मैंने कार मदर फादर कथा कौच ना घोष मदर फादर मीन घोष मदर फादर भावतु माने घोष मैटरनाल ग्रैंडफादर घोष अवश्य मैटरनाल मैंने ये कंप्लीट सेंटेंस आई गला लिख पार मैटरनाल ग्रैंडफादर बा खाली ग्रैंडफादर लिख था मैटरनाल ग्रैंडफादर मैंने ये कंप्लीट सेंटेंस आई गला हर मदर्स बदर इज द ओनली सन ऑफ घोष मैटरनाल ग्रैंडफादर ओके तो मत कहतु ओनली सन ऑफ मैटरनाल ग्रैंडफादर ओनली सन ऑफ मीन्स घो इज द मीन्स हर मदर्स यही जीव हर मदर्स बदर इज द ओनली सन ऑफ घोष मैटरनाल ग्रैंडफादर अच्छा ओनली घोष मैटरनाल ग्रैंडफादर सन मीन्स घोष अंकल आ माने हर मदर्स ये जीव सेंटेंस हर मदर्स से लिखा कथा नहीं मुझे लिखुची हर मदर्स बदर इज द घोष अंकल एबे देखला हर मदर्स बदर्स इज द घोष अंकल बुझिपाले मीन्स आर कार से झीर एबे हर मदर्स इज घोष अंकल बुझिपाले आ माने से झीर जने मदर थिबे मदर ब्रदर होची आर अंकल आ माने ई सिस्टर हबो होना ने ये सिस्टर हबो चलो सॉरी हाउ इज गार्ल्स मदर रिलेटेड गार्ल है निशे था चलो
इन ए क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स महेंद्रा रैंक्स 18th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, टोटल इक्वल टू लेफ्ट मीन्स टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द टॉप। अच्छा टोटल आप 29 स्टूडेंट्स टॉप के आप व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप पचार एक्स एंड ये कहते 18 माइनस वन एज 21 माइनस 17 एज आप 12 एक्स रैल्यू के 12 मीन टॉप रू 12 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ह्वाइट इज कॉल्ड ब्लू। अच्छा ये टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट पचारे कौन पचार ह्यूमन ब्लड पचार ह्यूमन ब्लड कौ कलर ना रेड कलर तो रेड इज कॉल्ड कौन देखिए खाली अच्छी ये देखते रेड इज कॉल्ड कौन देखिए रेड इज कॉल्ड येलो तो आंसर कौन बाहर येलो ये टाइप क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन आप इजिली हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन आपड़ करेंगे आनाकोंडा को आपको खाली जस्ट खाली लिखिदेगी आपको निजे सल्व करेंगे हाउ मेनी लेटर्स। अच्छा ये क्वेश्चन देखो आनाकोंडा ओके आनाकोंडा इज रिटन एज आना डी एन ए डी एन सेमती मुवमेंट को कौन सी लिखा जाए ओके वीडियो को पॉज करी आपन करी परबे आपन आंसर कमेंट सेक्शन भी कहि परबे किछि क्वेश्चन आपन सॉल्व करंतु जोडा इजी क्वेश्चंस हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन द वन लेआउट व्हेन दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आको अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखिबे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके लेफ्ट टू राइट मींस फर्स्ट आसीबो ए ओके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओके तापर एम एन ओ तापर पी क्यू आर एस तापर टी तापर यू तापर वाई बुझिपारे ठीक अच्छे हाउ मेनी लेटर्स आर मीनस चेंज है देखो एल ए रहा कौटा चेंज है कौटा चेंज है आई थिंक यू चेंज है मीनस गोटे लेटर आप चेंज है आज सब चेंज हो क्वेश्चन थी व्हाट विल बी द नंबर इन द प्लेस। अच्छा आपको आप नंबर प्लेस कहते करेंगे ये आप कौन कर पड़ो ना 6 4 8 10 एम भितर किसी है आप 104 होमती करपर। अच्छा गोटे फास्ट आम जमी फास्ट हो 6 4 24 करूँ 10 आप 80 करूँ ओके 24 80 का आड कले के 104 हाँ ये हूँ तपर ये 56 करूँ ये आपको अनेस करूँ ये हूँ आप 154 हाँ 154 हूँ सेम जिन ये आप 72 ये जो आप 70 ये के 142 आंसर के 142 हाँ ना चलो ये जो नई था आम अलग कौन करता ये क्वेश्चन आप करेंगे ओके प्लस मान दे आपको माइनस ओके प्लस मान माइनस एंड माइनस मान आपको इंटू दे एंड डिविजन मैंने आपको प्लस देंड इन टू मैंने आपको ये दे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपको पचार 10 × 5 तो कत ना ये जी इन टू जगह हरण लिखे के 2 part बर बदमाश रूल अनुसार एंड हरण जगह प्लस कही 3 × 2 − 3 या तो ये जो कहते 2 + 6 − 3 ये जो कहते 8 − 3 8 − 3 के 5 आर आंसर के 5 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको अरेंज द फॉलोइंग डिक्शनरी आपको आप निजे करेंगे डिस्टेंस अनुसार लिखे ओके सी कौन पचार आदि ऑड वन आर्ड बाहर करते इडमंड हिलारी तेंजिंग नर्जय एंड कौन ये बचिंद्री पाल एंड मिर्सेल। अच्छा ये सब आप इकोनोमिक्स्ट बट ही इज नॉट इकोनोमिक्स्ट ओके तो ये हूँ आपंकर ऑड नंबर ये तो मान रखे इडमंड हिलारी इकोनोमिक्स्ट जानते हैं तेंजिंग नर्जय ये रिसेंटली न्यूज थे मिर्सेल तो आपंकर जानते हैं आपंकर। अच्छा आज ये लेक्चर सरला एंड आपन जदि कहिबे इंग्लिश लेक्चर भी आपन डिस्कशन कर देबी सबटु भलो क्वेश्चंस इंग्लिश रो पचारछि नेक्स्ट लेक्चर इंग्लिश लेक्चर कर देबी तापर नेक्स्ट लेक्चर आपन को भलो भलो क्वेश्चंस अछि मु आपन को देखै दउछि ए टाइप रो क्वेश्चंस भी आपन को से एग्जाम रे पचारिछि ओके ए टाइप रो क्वेश्चंस भी पचारछि देखंतु कोन क्वेश्चन पचारछि बहुत बडा क्वेश्चंस पचारछि व्हाट इज द सुनामी एंड हाउ डज इट अकर आको लेखिया पडियो बट आको लेखिबार टेक्निक कोन अछि सुनामी कोठे आसे एंड केमिति आसे आपे आपन को पी वेव जो आसी प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव ओके जो आपंकर सुनामी आसे प्राइमेंड वेट्स जो साउंड आके फास्ट आप साउंड पहुँचे सेकेंडर वाई वेव साउंड पहुँचे आपंकर एपिसेंटर अच्छी ए विषय टिके आपको नोट कर लिखा पड़ो राइट ए नोट ऑन डिवास्टिंग इफेक्ट एंड आर डिवास्टिंग इफेक्ट कौन ओके आपको लिखे आराम आपंकर जितक वार्ड देखिए आपको आराम सुंदर लिखे प्लास्टिक पल्यूशन कौन मुझे सब एगुड़ा मुझे पढ़े सारी सुनामी प्लास्टिक पल्यूशन मुझे सब लेक्चर पढ़ी सारी जदि आपको ठीक ठाक देखते हैं आराम लिखिपारे एंड विथ नोट भी डाकि सारी केमी आप नोट लिखे व्हाट इज प्लास्टिक पल्यूशन व्हाट आर इज इफेक्ट एंड व्हाट स्टेप्स कैन टेक् टू अवॉइड इट ये सब पूरा डाक सारी ग्लोबल वार्मिंग कॉज कौन इंडस्ट्री रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके कटिंग ट्रीज ये सब आप ग्लोबल वार्मिंग ओके हैबिटेट ओके हैबिटेट ये सब एंड आकर एक्सप्लेन करेंगे कटिंग ट्री केमी ये सब आपको लिखेदेवी जी कहे मुझे थोड़े गोटे गोटे टॉपिक नहीं डिस्कशन करदेवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मैथ रीजनिंग रो मुझे सारीदेली एंड आउ जितक रीजनिंग रहा जब कहे मुझे करदेवी एंड आप कमेंट रेल मुझे इंग्लिश भी नेक्स्ट लेक्चर आपको करदेवी।
ओके कमेंट न कले भी मुझे इंग्लीशा करदेवी बट कमेंट कले मुझे एगुटा ही सब आप सहित डिस्कसन करी। थैंक यू वेरी मच।